अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हेयर फॉल से नहीं परेशान हैं फिर भी आपको अपनी पाचन शक्ति बढ़ानी है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। आप में से कई सारे लोग मुझसे कमेंट करते हो कि भैया हम मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं या डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं और हम बाल आयाम कर रहे हैं फिर भी हमारा हेयर फॉल जो है वो रुक नहीं रहा है, बाल और ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गया है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे लगातार मैसेज आता है हम अपनी डाइट बिल्कुल मेंटेन रख रहे हैं, प्रोटीन वाला खाना खा रहे हैं, हम फिर भी हमारा हेयर फॉल हो रहा है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इनडाइजेशन की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो रहा होगा? क्योंकि देखिए आप में से कई सारे लोग होंगे यूट्यूब पे तरीके सभी ढूंढते हैं कि भैया कैसे हम अपने बालों की हेयर रिग्रोथ कर लें, नए बालों को कैसे उगा लें, लेकिन कभी आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा आपकी पेट की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है आपका हेयर फॉल ना स्टॉप हो रहा हो। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आपको कई सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, जैसे कि आपको हमेशा बदहजमी होना, खट्टी ढकार आना, गैस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आपके चेहरे पर पिंपल्स तक आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी डाइट वगैरह मेंटेन कर रहे हो, आप जो प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हो, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स आपके बालों के लिए चाहिए वो आपके बालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपकी पाचन शक्ति सही से काम नहीं कर रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। अब मॉर्निंग में जब सुबह सुबह उठते हो तब से लेके आपको रात को सोने के टाइम तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, डेली रूटीन में अगर आप ये चीज़ें शामिल कर लेते हो कभी भी आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं होगी। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले आप फ्रेश होने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी आपको रात को ही रख लेना है। मॉर्निंग में आप जैसे ही सुबह उठते हो आप फ्रेश होने के लिए जाने लगते हो उससे 5 या 10 मिनट पहले आप उस पानी को पी ले, आपको एक गिलास पानी पीना है। आप मॉर्निंग में जरूर एक बार बाहर घूमने जाइए, सुबह सुबह की ताजी हवा जरूर आप एक बार खाइए, क्योंकि ताजी हवा लेने से काफी ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी पाचन शक्ति भी इंप्रूव होगी। जब भी आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, आपको अच्छे से हेल्दी चीजें ही अपने नाश्ते में लेना है। अक्सर आप ब्रेड वगैरह खा लेते हो तो आपको ब्रेड वगैरह नहीं खाना है क्योंकि गैस बनाने का काम करती है। आप रात को चना भिगो कर रख दीजिए, मॉर्निंग में आप अपने नाश्ते में चना शामिल करिए। आप केला शामिल कर सकते हैं, कोई फल वगैरह आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में डाइट लेते हो, कंप्लीट खाना खाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, क्योंकि आप दिन भर काम करोगे तो आपका खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से पचेगा। और काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं। आप अपनी वो टाइमिंग हमेशा बना के रखो कि आप अगर मॉर्निंग में नाश्ता करते हो 9 या 10 बजे जो भी आपकी टाइमिंग हो, उसके बाद दोपहर में जब आप खाना खाते हो तो आपका खाना खाने के समय, नाश्ता करने का समय, या आप रात को जब आप रात को खाना खाते हो, जो आप टाइम पे रोज खा रहे हो उसी टाइम पे आप खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। तो ये बिल्कुल आप टाइम बना लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको वही टाइम पे खाना खाना है, लेकिन आप अगर टाइमिंग बना के रखे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो अच्छे से आपको खाने को चबा कर खाना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं थोड़ा जल्दबाजी में वो जल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको खाने को अच्छे से चबा कर खाना है ताकि आपकी पाचन शक्ति अच्छे से बढ़ सके। अगर आप खाने को अच्छे से चबा कर नहीं खाते हो तो आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होने लगता है। जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। मुझे पता है यार, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार खाना खाने के तुरंत बाद तो पानी पीना ही होता है। अगर आपकी पाचन शक्ति सही नहीं चल रही है तो आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 20 मिनट का इंतज़ार तो कर ही लें। बीच में आपको खाना खाने के टाइम पर बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बीच में आपको पानी नहीं पीना है। और आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है, आपको डायरेक्ट पानी को घटा घट नहीं पीना है। जब भी आप पानी पिए आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है, आपको बैठ के पानी पीना है। पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आपको फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहना है। आप में से कई सारे लोग होंगे अभी मार्केट में यही मतलब चल रहा है कि आपको अगर भूख लगती है तो आप घर का खाना बिल्कुल इग्नोर करते हो और बाहर का खाना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। उसको कुछ दिनों के लिए बंद करिए और घर का खाना शुरू करिए। आप जब जंक फूड वगैरह खाते हैं तो आपके पेट के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। जंक फूड में आपको कुछ भी प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता, उल्टा आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं तो बाहर का बिल्कुल अच्छे से खाना खाता हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, मेरा पेट बिल्कुल साफ रहता है। हो सकता है आपको अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि अभी ही आपका डाइजेशन बिल्कुल स्ट्रांग है, इस वजह से आप सारी चीज़ें पचा ले रहे हो, लेकिन आगे चल के जब आपकी उम्र ढलेगी आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल कमज़ोर होने लगेगी।
इनडाइजेशन का एक और कारण है स्ट्रेस, तनाव। अगर आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन के कारण पेट का क्या कनेक्शन हो सकता है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मॉर्निंग में आप फ्रेश होने जाते हो, अगर आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता है तो आप बिल्कुल स्ट्रेस में हो जाते हो, आप बिल्कुल तनाव में होने लगते हो। और जब भी आप मॉर्निंग में अगर फ्रेश होने जाते हो, जब आपका पेट बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ होता है, तो आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हो, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही आपको पेट की कोई समस्या होती है। जो भी आप डाइट वगैरह लेते हो तो आपका डाइजेशन अच्छे से वर्क करता है, आपके खाने को अच्छे से पचाता है। जब भी आप खाना खाते हो तो आप घी का सेवन जरूर करें, दही का सेवन जरूर करें, या फिर आप छाछ पिए, काला नमक या जीरा आप पीस कर रख लें। जब भी आप छाछ या दही आप खाते हो पीते हो, एक चुटकी जीरा और काला नमक आपको मिला लेना है, उससे आपका डाइजेशन बिल्कुल इंप्रूव होगा। मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया चना खाइए, तो चना आप रात को भिगो के रख दे तो मॉर्निंग में आप खाते हो तो इससे भी आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।